हम लोग मित्र रहे हैं, वो मुलाकात होती रहती थी, लेकिन जितनी सारी बातें वो बोलते थे उसका कोई आधार नहीं था, लेकिन बोलते थे। अब जैसे 165 सीट पर उत्तर प्रदेश में लड़ गए, फिर लोगों से कहा कि हम किसी के सहारे नहीं हैं, हम खुद अपने ये हुए, फिर यहाँ बोल दिए कि भाई बात चल रही है राजद से कि आधा आधा टाइम मुख्यमंत्री होंगे, तो इस तरह की बातें राजनीति में नहीं होती है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ रश्मि। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी का मंत्री पद जाने के बाद हम के मुखिया जतन राम मांझी का बयान सामने आया है, जिसमें जतन राम मांझी ने यह साफ कर दिया है कि मुकेश सहनी बिना आधार के, बिना तथ्यों के लगातार बयानबाजी कर रहे थे। यूपी में उन्होंने बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा और बिहार में भी लगातार वो बीजेपी के खिलाफ ही बोल रहे थे, और यही वजह है कि उनका मंत्री पद उनसे छीन लिया गया। ऐसे में किस तरह से इस वक्त जतन राम मांझी का गुस्सा सामने आया है, मुकेश सहनी को लेकर क्या कुछ कहा है जतन राम मांझी ने, छोड़े जाते हैं आपको उस पूरे मंत्री पद से बर्खास्त करने के लिए सीएम ने सिफारिश कर दी और राज्यपाल ने मंजूर भी कर लिया। सीधे बात करेंगे, पूर्व मुख्यमंत्री हमारे साथ हैं जितन राम मांझी। सर, क्या लग रहा है अब मुकेश सहनी को मंत्री पद गंवानी पड़ गई? देखिए, हम लोग मित्र रहे हैं, वो मुलाकात होती रहती थी, लेकिन जितनी सारी बातें वो बोलते थे उसका कोई आधार नहीं था, लेकिन बोलते थे। अब जैसे 165 सीट पर उत्तर प्रदेश में लड़ गए, फिर लोगों से कहा कि हम किसी के सहारे नहीं हैं, हम खुद अपने ये हुए, फिर यहाँ बोल दिए कि भाई बात चल रही है राजद से कि आधा आधा टाइम मुख्यमंत्री होंगे, तो इस तरह की बातें राजनीति में नहीं होती है। अगर होती भी है तो पर्दे के अंतर होती है, अभी चीज़ को क्लियर कर रहे थे। फिर उन्होंने एक तरह से गठबंधन धर्म को तो जरूर तोड़ने का काम किया, उत्तर प्रदेश में लड़ गए थे, कोई बात नहीं, वहाँ जदयू के लिए भी लड़े, लेकिन यहाँ आज बुझा में हम भी कहते हैं कि टिकट उनके आदमी को मिलना चाहिए था, क्योंकि एक परम्परा है कि जिसके आदमी मरते हैं या जिसका आदमी रहता है उनको दिया जाता है, लेकिन वहाँ नहीं दिया। तो इसका कारण यही है कि हो सकता है कि उत्तर प्रदेश का चीज हो, तो जब भाजपा ने ऐसा कोई कदम उठाया तो इनको चुप लगा देना चाहिए था। राजनीति में बहुत आगे के चांस मिलता है, कल MLC का मामला है, पचौड़ा सभा का मामला है, फिर और मंत्रिमंडल में जाने का मामला है, तो एटलीस्ट वो चुप रहते तो हम समझते हैं कि भाजपा बड़ी पार्टी है, भाजपा से उनका संबंध अच्छा रहा है, शायद उनको ये नौबत नहीं आती। लेकिन उन्होंने सब चीज़ को दरकिनार कर दिया और जिसके कारण आज उनको बर्खास्तगी का दर्शन। क्या लग रहा है आपको, दिख रहा होगा कि तो गलत है, मुख्यमंत्री का भी सर से विश्वास अधिकार है कि जब अकेले पार्टी से रहते अपने दम पर तो ये गठबंधन के मुख्यमंत्री हैं, और गठबंधन में जो मलिक थे, मुकेश जी थे, वो भाजपा कोटा के आदमी थे, इसलिए जब भाजपा के कोटा रहने उनको जब रिकमेंड किया बर्खास्ती के लिए, तो नीतीश कुमार जी के सामने कोई चारा नहीं था कि उसको रिकमेंड कर देंगे गवर्नमेंट के बर्खास्त, और वही हुआ। इसलिए जो हुआ वो कोई गैर संवैधानिक नहीं है, उचित हुआ, लेकिन ये जरूर है एक साथी के नाते हमको ऐसा लगता है कि एक तो गलती ये कर ही गए, ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन भाजपा को भी इतना हार्ड एक्शन नहीं लेना चाहिए था, ये हम कह सकते हैं। आपको नहीं लग रहा है कि भाजपा की पहले से ख्वाहिश थी, चूँकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के बाद ही ये निशाने पर थे मुकेश सहनी, और आखिरकार भाजपा के पास जिस तरह से सीएम ने भी एक्शन लिया, आप एक्शन से कहीं ना कहीं आप नाराज़ तो नहीं? नहीं, हम कहा कि एक्शन जो हुआ है, न मुख्यमंत्री कोई गलत एक्शन लिए हैं, और जहाँ तक रिकमेंडेशन का सवाल है तो भाजपा के दल से वो थे, और जिस दल में वो रहे हैं उस दल के खिलाफ कुछ बात जाती है तो भाजपा के पक्ष की बात थी कि भाजपा उनको क्या करती, तो भाजपा ने उनको कहा कि हाँ साहब वो नहीं रह पाएंगे, उन्होंने चीफ मिनिस्टर को
रिकमेंड किया चीफ मिनिस्टर राजपाल के यहाँ दे दी, इसलिए गलत कहीं नहीं हुआ है। गलत इस माने में हम कहते हैं एक यूनिटेरियन ग्राउंड पर कहते हैं, उनके मित्र रहे हैं, जो अच्छा सीट उनको दिया था उन्होंने के लिए मंत्री बनाए थे। अगर कहीं कुछ फालतू बातें हो भी गई है तो भाजपा बहुत बड़ी पार्टी है, उसके नेता बहुत बड़े उदार व्यक्ति हैं, बहुत महान आदमी हैं, उनकी गलतियों पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए, शायद अपने आप सुधर जाते। आपको आपको क्या लग रहा है कि आप भी एनडीए के अंग हैं और आपसे कोई सलाह मशवरा लिया गया? ये भी मलाल हुआ कि आपसे भी पूछा जाना चाहिए था कि मुकेश सहनी के तीनों विधायक जब छोड़ दिए उसके बाद क्या विकल्प निकलेगा? हाँ, बातें हुई है, उनके शीर्ष के नेता एक बार आए थे हमारे पास जयसवाल साहब और बातें चल रही थी। उसमें नैतिकता की बात जहाँ आई थी तो हमने भी कहा था अब इस परिस्थिति में सहनी जी को नहीं रहना चाहिए, अपने उनको त्याग पत्र देना चाहिए, और त्याग पत्र नहीं देंगे तो क्या करना है, इस सब पर हमारी बात नहीं हुई थी। और त्याग पत्र देने की बात उन्होंने शायद नहीं कही कि हम त्याग पत्र नहीं देंगे, तब उन्होंने चीफ मिनिस्टर को आपसे नहीं पूछा गया कुछ भी एक्शन को लेकर? ना एक्शन कभी हुआ ना, तो बोले ना कि भाई इनको नैतिकता के दृष्टिकोण से रिजाइन करना चाहिए।